जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली पर, विषय हमारा चोरी का है। आज हम बात करेंगे चोरी हुई वस्तु की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है और उसका रंग क्या है, यह प्रश्न कुंडली से कैसे जानेंगे इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी उदित लगन होगी, लगन में कोई ग्रह बैठा हो तो वस्तु जो चोरी हुई है उसकी प्रकृति उस ग्रह की प्रकृति से मिलती जुलती होगी। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, किसी ग्रह की दृष्टि हो लगन पर, उदित लगन की जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसकी प्रकृति के हिसाब से जो चोरी हुई है वस्तु की प्रकृति वैसी होगी। यह तो हुई प्रकृति की बात। अब हम बात करते हैं आकार की या स्वरूप की। आकार हम उदित लगन से ही देखते हैं। उदित लगन से आकार को कैसे देखेंगे? हमारी 12 राशियों का राशिमान अक्षांशों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर कुछ और होगा, उत्तरी गोलार्ध में कुछ और होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ और होगा और हर सिटी का राशिमान अलग अलग होता है। ये 3 तरह का होता है, लघु राशिमान, मध्यम राशिमान और दीर्घ राशिमान। तो हम जो वस्तु का स्वरूप देखेंगे, आकार देखेंगे, उदित लगन की राशि के राशिमान के हिसाब से देखेंगे। यह उसके ऊपर आधारित होता है, अक्षांशों पर आधारित होता है। यह उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अलग अलग प्रभाव देता है क्योंकि इसका राशिमान बदल जाता है। जैसे मान लो मैं आपको लघु राशिमान बताता हूँ भूमध्य रेखा का, किस किस राशि का लघु राशिमान है। वो राशि है मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि। इन राशियों का लघु राशिमान माना जाता है। लेकिन इनका यदि हम न्यू दिल्ली में राशिमान देखेंगे तो मेष राशि, वृष राशि और कुंभ राशि और मीन राशि हो जाएगा। राशिमान दूरी के हिसाब से बदल जाता है, वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, उसी के हिसाब से सिटी किधर है उसके हिसाब से बदल जाता है। तो मैंने आपको बताया लघु राशिमान भूमध्य रेखा से, एक बार फिर से बता देता हूँ, भूमध्य रेखा से लघु राशिमान हुआ मेष राशि का, कन्या राशि का, तुला राशि का और मीन राशि का। लेकिन न्यू दिल्ली का राशिमान मेष राशि का, वृष राशि का, कुंभ राशि का और मीन राशि का हो जाएगा लघु राशिमान। इसी प्रकार मध्यम राशिमान भूमध्य रेखा का है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। लेकिन ये न्यू दिल्ली का राशिमान मध्यम राशिमान हो जाएगा मिथुन राशि का और मकर राशि का। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कहां पर हम उसको देख रहे हैं, कौन से सिटी से देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसका आकार वस्तु का बदल जाता है। तीसरा दीर्घ राशिमान की बात कर लेते हैं। दीर्घ राशिमान क्या हुआ? भूमध्य रेखा से मिथुन राशि का, कर्क राशि का, धनु राशि का और मकर राशि का होता है दीर्घ राशिमान। लेकिन ये राशिमान बदल जाता है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में राशिमान हो जाता है दीर्घ राशि, कौन कौन सी हुई दीर्घ राशिमान, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। दिल्ली में 6 राशियों का दीर्घ राशिमान हो जाता है। यह हमारा प्रश्न जो है इसको हम कभी कभी ताजिक में दिनों की गणना में भी लगाते हैं राशिमान को। इससे हम राशिमान से दिनों में भी लगाते हैं जब हमें कोई परिणाम नापना होता है कि लघु राशिमान है, मध्यम राशिमान है, दीर्घ राशिमान है, तो ये उसमें भी लगाया जाता है। तो राशिमान के हिसाब से हम देख लेते हैं कि ग्रह की स्वरूप कैसा है, आकार कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं रंग की। जो हमारी वस्तु चोरी हुई है उसका रंग कैसा है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रश्न कुंडली में जो सबसे बली ग्रह है, प्रश्न कुंडली में 7 ग्रह में से जो सबसे बली ग्रह होगा उसके हिसाब से हम रंग को देख लेंगे कि जो सबसे बली ग्रह है उसका जो रंग है वह हमारी वस्तु का रंग होना चाहिए जो चोरी हुई है। दूसरा हम इसको राशि के हिसाब से भी देखते हैं, उदित राशि क्या है। जैसे मान लो मेष राशि है तो लाल रंग,
वृष राशि है तो सफेद रंग, मिथुन राशि है तो हरा रंग, कर्क राशि है तो गुलाबी रंग, सिंह राशि है तो हल्का सफेद रंग, और कन्या राशि है तो चितकबरा रंग, मिक्स रंग, तुला राशि है तो काला रंग, वृश्चिक राशि है तब भी काला रंग, धनु राशि है तो पीला रंग, और मकर राशि है तो चितकबरा रंग, कुंभ राशि है तो भूरा रंग, अगर मीन राशि है तो हल्का नीला रंग। तो इस प्रकार हम चोरी हुई वस्तु के बारे में प्रकृति जान लेते हैं, उसकी उसका स्वरूप जान लेते हैं, उसका रंग जान लेते हैं। यह प्रश्न कुंडली में कितना आसान है कि हम इन तीन चीजों को थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की चोरी हुई वस्तु की प्रकृति, स्वरूप और रंग के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे चोरी हुई कैसे, चोरी हुई कैसे, चोरी करने का जो सिस्टम था कि चोर कहां से आया, उसके बारे में बात करेंगे कि चोरी हुई कैसे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सीधी आपको मिलती रहे।